जी सर, एक्चुअली 2019 में काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, वो मुझे याद है, मैं पहले वो बताना चाहूँगा। मुझे पैनल ने पूछा था कि आपको मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, एक व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, और एक जी जिनपिंग है चाइनीज़ प्रेसिडेंट, और हमारे और एक उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं आपको US, तो उन तीनों में से आप किसको चुनोगे एज अ लीडर? तो ये काफ़ी डाइसी क्वेश्चन था। तो फिर अभी 2021 में भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप झारखंड से आते हो, झारखंड बिहार UP सारे रैंकिंग्स में पीछे हैं हम लोग, ठीक है, हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, माल न्यूट्रिशन है, तो आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम लगता है आप कैसे सॉल्व करोगे, कोई एक एग्जांपल दे दो हमें बताओ। तो मैंने बताया था सर कि मतलब हमें कुछ ऐसा डेवलप करना चाहेंगे जिससे कि हम ओला उबर टाइप का कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिफॉर्म कर सकें। फिर उसके बाद एक और आइडिया मैंने दिया कि सर जैसे जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, फिर हंगर से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सर, तो क्यों ना हम लोग जैसे बेंगलुरु वगैरह में इंदिरा कैंटीन अम्मा कैंटीन का मॉडल है, हमारे झारखंड में कम्युनिटी किचन्स हैं, तो हम लोग उसी को रिवैम्प करके इस तरीके का एक टोकन सिस्टम लेकर के आए। जैसे अभी अगर आप मंदिर जाते हो आप पैसा देते हो गरीब आदमी को, पैसा ना देकर के हम उसे टोकन दें और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टाई अप करे और वो उस टोकन को दिखा के जो हमारे जो लोग हैं वो दिखा करके खाना खा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है, जी निकलता है, बट वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना उससे पहले 3-4 साल की मेहनत होती है। तो स्टार्टिंग में मैंने 2018 की जुलाई से लेकर के 2019 की जून तक डेली 10 घंटे मैं पढ़ता था लाइब्रेरी में, तो लगभग मैं ये बोलना चाहूँगा कि लगभग 18 महीने तो चाहिए ही, 10 घंटा आप अगर कोई पढ़ता है 18 महीने तक मिनिमम 1.5 साल 10 घंटे डेली, नो सैटरडे नो संडे नो ब्रेक, वी हैव टू बी वेरी रूड विद आवर सेल्फ, हमें अपने साथ काफ़ी रूड रहना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के भी हम फील्ड में जाएंगे, हमारे लिए सैटरडे संडे नहीं, हमारे लिए पहले सर्विस है। IAS बनने का इंस्पायरेशन कहाँ से रहा और कब लगा कि नहीं हम IAS बन सकते हैं? इसलिए आपने तो इंजीनियरिंग किया वहाँ, अच्छा कर दिया, जिससे आपने हमें बताया कि BTech करने के बाद आप लोगों ने ऐप भी डेवलप किया, स्टार्टअप भी शुरू किया जहाँ से अच्छा अर्निंग हो सकता था और ऑफर भी था। जी जी सर, एक्चुअली वही जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि 2-3 कारण हैं जिसके चलते मैंने IAS मेरा सपना बना। एक पहला कारण कि मैंने शुरू से स्ट्रगल देखा, फैमिली में स्ट्रगल देखा, माँ पिताजी का देखा और उनसे मैं मोटिवेट हुआ। फिर क्योंकि जब मैं मिशन स्कूल में था तो वहाँ पे वैल्यूज़ पे काफ़ी फोकस था और स्वामी विवेकानंद से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और मेरे प्रिंसिपल जो अभी लेट हो गए हैं डॉक्टर रंजीत चौधरी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने ये सीड मेरे अंदर डाला था 9th में। मैंने उनसे पूछा था कि सर मैं जब आसपास प्रॉब्लम देखता हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ठीक करूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप राशन शॉप में जा रहे हैं तो लोगों को अनाज नहीं मिल रही है, या फिर सड़कें टूटी हुई है तो वो बन नहीं रही है, या पोल्यूशन हो रहा है लोग ध्यान नहीं दे रहा है, तो मुझे ये सब चीज़ आज भी बहुत प्रॉब्लम मतलब सताता है और उस टाइम पर भी करता था, तो मेरे अंदर एक खलबली रहती थी कि यार इसको कैसे ठीक करें। तो मैं सर से डिस्कशन करता था, पूछता था उनसे कि सर कैसे होगा, कैसे ठीक करें, तो बोले कि अगर ऐसा है तुमको इतना ही दिक्कत है तो तुम DC बन जाओ, IAS बन जाओ। तो फिर वहाँ से मुझे पता चला IAS, मतलब IIT मैं उस टाइम पे नहीं जानता था कि IIT क्या होता है, पर IAS मैंने बस वो 3 लेटर का वो वर्ड सुना कि हाँ IAS कुछ होता है 10th में। जी सर, तो उसके बाद फिर 11th-12th मैंने किया, वहाँ पे भी मैं हमेशा मतलब एक एक्टिव रोल में रहता था, तो अब दिमाग में था कि IAS करना है, IIT करना है नहीं करना है दैट वॉज नॉट नेसेसरी, बट IAS करना है दैट वॉज श्योर। तो फिर मैंने BTech, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे तो फिर मैंने JCET दिया और BIT सिंदरी मुझे मिला, तो फिर वहाँ पे मैंने जान मतलब कंप्यूटर डिलिब्रेटली मैंने लिया, क्योंकि मेरा दिमाग मतलब मेरा ये मानना है कि आज के डेट में आप देखिए कि हर लोग कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन सबके पास है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो पूरा सोसाइटी इंटरनेट पे चलेगा, साइबर क्राइम आज इतना बड़ा फील्ड हो गया है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे ही था कि कंप्यूटर पढ़ा जाए और उसके बाद उस वहाँ जो पढ़ाई होगी उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करके एक बेटर गवर्नेंस हमारी सोसाइटी को, हमारे कंट्री को दे सकें। तो इस तरीके से मैंने हर चीज़ों को एक साथ लेकर के मैंने अलग अलग राहें पे अलग अलग चीज़ें करी, बट सारा जो रास्ता है वो एक ही तरफ जा रहा था, वो है IAS। जी, कितने घंटे पढ़ाई करना ज़रूरी है और किताबों से बाहर कितना समय बिताना जरूरी है, और बाकी जो होता है कि भाई सोशल मीडिया से दूर रही है, टेलीविज़न से दूर रही है, आपने किस तरीके से कौन कौन से नियमों को माना? और जी सर, एक्चुअली सोशल मीडिया से तो मैं दूर हूँ ही, एक्चुअली मैंने 6-7 साल से फेसबुक नहीं चलाया है, लास्ट टाइम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के टाइम पे मैंने फेसबुक चलाई थी 2017 में,
तो 5 साल हो गया है। बाकी मैं इंस्टा पे भी नहीं हूँ, केवल टेलीग्राम यूज़ करते हैं हम लोग बहुत हैविली, क्योंकि उसमें हम लोग की पढ़ाई की काफ़ी चीज़ें चलती हैं सर। व्हाट्सएप था क्योंकि कुछ रीजंस थे, जैसे स्टार्टअप वगैरह था तो कुछ में काम रहता था हमें, तो मैं व्हाट्सएप पे रहता था, पर टेलीग्राम मैं यूज़ करता था। बाकी कोई भी सोशल मीडिया मैंने यूज़ नहीं करी है अभी। विजन टेलीविज़न और मूवी देख पाते थे, कभी कभी टाइम मिल जाता था सर, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट करी थी। और एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा बोलना चाहूँगा जो आपने नहीं पूछा है, कि लोग बोलते हैं कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है, जी निकलता है, बट वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, उससे पहले 3-4 साल की मेहनत होती है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहूँगा, मेहनत तो बहुत चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है सर। तो स्टार्टिंग में मैंने 2018 की जुलाई से लेकर के 2019 की जून तक डेली 10 घंटे मैं पढ़ता था लाइब्रेरी में, और उस टाइम पे मैंने काफ़ी पढ़ी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे निकालना था उस टाइम पे, पर मुझे ये नहीं पता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट मींस एटलीस्ट 3 to 4 years इट टेक्स, बिकॉज सिलेबस काफ़ी ह्यूज है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आपको काफ़ी परफेक्ट रहना होगा आप जो भी करते हो उसमें, इस एग्ज़ाम की वो रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैंने क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाया, मैंने सिलेबस को उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाया, इसलिए मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 मार्क्स से मेरा छूट गया। ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं और टाइम चाहिए था। तो लगभग मैं ये बोलना चाहूँगा कि लगभग 18 महीने तो चाहिए ही, 10 घंटा आप अगर कोई पढ़ता है 18 महीने तक, मिनिमम 1.5 साल 10 घंटे डेली, नो सैटरडे नो संडे नो ब्रेक, नो ब्रेक, वी हैव टू बी वेरी रूड विद आवर सेल्फ, हमें अपने साथ काफ़ी रूड रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के भी हम फील्ड में जाएंगे, हमारे लिए सैटरडे संडे नहीं, हमारे लिए पहले सर्विस है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं अगर हमारे जिले में प्रॉब्लम चल रही है तो। तो सर वो सब देख करके मुझे लगता है कि 1.5 साल तो कम से कम चाहिए अच्छे से तैयारी करने के लिए, तब आप जा करके पहला अटेम्प्ट लो अपना ले सकते हैं। और फिर भी अगर लक, पहले तो हार्डवर्क है वो चाहिए, उसके साथ साथ लक भी चाहिए, जब सारे इक्वेशंस बैठ जाएंगे तो लिस्ट में नाम आ जाएगा जी। इंटरव्यू कैसा रहा था और कैसे सवाल ऐसे कि चलिए रिटेन उटेन तो, लेकिन बड़ा इंटरव्यू हम लोग देखते हैं जो भी लाइक यू मॉक इंटरव्यू होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, तो आपके साथ भी कोई इंटरेस्टिंग ऐसे सवाल रहे हैं कि सर? जी जी सर, एक्चुअली 2019 में काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, वो मुझे याद है, मैं पहले वो बताना चाहूँगा। मुझे पैनल ने पूछा था कि आपको मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, और एक जी जिनपिंग है चाइनीज प्रेसिडेंट, और हमारे और एक उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं आपको US, तो उन तीनों में से आप किसको चुनोगे एज अ लीडर? तो ये काफ़ी डाइसी क्वेश्चन था, तो मैंने कुछ समय मांगा उनसे सोचने के लिए, फिर मैंने बोला कि सर क्योंकि हम इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो मैंने बोला कि सर जिस तरीके से मतलब जो वैल्यूज़ एक लीडर के अंदर होना चाहिए और जिस वैल्यूज़ को एक कंट्री इम्पोर्टेंस दे, अगर मैं उनको देखूँ तो मैं US के साथ जाऊँगा वैल्यूज़ के लिए, बट नॉट एज अ पर्सन, एज अ पर्सन डोनाल्ड ट्रंप आई वॉन्ट गो विथ हिम, बट फॉर वैल्यूज़ आई विल गो विथ हिम, बट इफ़ आई एम आस्क्ड एज अ पर्सन स्टाइल ऑफ लीडरशिप तो मैं पुतिन के साथ जाऊंगा उस टाइम पे। पर अगर अब पूछा जाए तो फिर से जवाब कुछ और हो जाएगा। जी 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 जी, तो ये क्वेश्चन था। फिर अभी 2021 में भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि क्योंकि मैंने मेरे डैफ में लिखा था कि आई एम इंटरेस्टेड इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो मेरा स्टार्टअप है या जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप झारखंड से आते हो, झारखंड बिहार यूपी सारे रैंकिंग्स में पीछे हैं हम लोग, ठीक है, हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, माल न्यूट्रिशन है, तो आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम लगता है आप कैसे सॉल्व करोगे, कोई एक एग्जांपल दो हमें बताओ। तो मैंने बताया था सर कि मतलब हमें कुछ ऐसा डेवलप करना चाहेंगे जिससे कि हम ओला उबर टाइप का कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिफॉर्म कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकें, कार्बन फुटप्रिंट हम लोग कम कर सकें, और गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और डीकंजेशन होगा। तो इस तरीके का मैंने उनको आइडिया दिया। फिर उसके बाद एक और आइडिया मैंने दिया कि सर जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, फिर हंगर से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सर, तो क्यों ना हम लोग जैसे बेंगलुरु वगैरह में इंदिरा कैंटीन, अम्मा कैंटीन का मॉडल है, हमारे झारखंड में कम्युनिटी किचन्स हैं, तो हम लोग उसी को रिवैम्प करके इस तरीके का एक टोकन सिस्टम लेकर के आए। जैसे अभी अगर आप मंदिर जाते हो, आप पैसा देते हो गरीब आदमी को, पैसा ना देकर के हम उसे टोकन दें, और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टाई अप करे, और वो उस टोकन को दिखा के जो हमारे जो लोग हैं वो दिखा करके खाना खा सकते हैं, तो क्या होगा कि हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो भूख से ना मरे, हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो उस पैसे का गलत यूज़ ना करे। तो इन तरीके का आइडिया मेरे दिमाग में चलते रहता, और मेरा ये मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि अब मैं जहाँ जाऊँगा तो मैं इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा, और मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे साथ स्टार्टअप में हैं,
तो वो भी काफ़ी टेक्निकल, काफ़ी साउंड है वो लोग, तो मुझे मदद भी मिलेगी। और हम लोग, मतलब मेरा ये मानना है कि जो भी पढ़ाई मैंने करी है, जो भी हम लोगों ने किया है, उसे समाज को वापस दिया जाए जिस तरीके से और जितने अच्छे तरीके से हम उसे दे सकें। अब जब फाइनली अब आ गया वो पिक्चर, एक तरीके से जो लक्ष्य था वहाँ तक पहुँच गया, आगे का रास्ता कैसा होगा? और जो सोच आपने रहा, जिसे आपने रामकृष्ण मिशन का, आपने लोगों का हेल्प करने का, कि भाई हम उस पद पर रहें, वहाँ रहें जहाँ पर हम ये चीज़ें ठीक करें, तो आज जो समस्या है उसको किस तरीके से देखेंगे? और अभी हालांकि कैडर तो मुझे लगता है ट्रेनिंग के बाद, जी ट्रेनिंग से पहले आती है, एक महीने पहले आती है। अच्छा, चॉइस क्या रहे कि क्या हम जी सर चॉइस में है सर, जैसे कि सर्विस में तो आईएएस पहला प्रेफरेंस है और मैं होपफुल हूँ कि वो मिल जाएगा मुझे। और सर कैडर तो ऑब्वियसली होम कैडर झारखंड ही मैंने डाला है, बट कैडर झारखंड मिलेगा या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि 2017 में पॉलिसी चेंज हुई है गवर्नमेंट की, तो अब जोन वाइज होता है, तो झारखंड मिलना मुश्किल है। बट स्टिल क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस है तो मुझे झारखंड में भी सर्व करने का मौका मिलेगा, दिल्ली में भी मौका मिलेगा, और जो स्टेट मुझे मिलेगा वहाँ भी मुझे मौका मिलेगा। लोगों की जो मदद करने की सोच है उसको आगे कैसे बढ़ाने की सोचेंगे जब आप नौकरी में होंगे, जब पूरी तरीके से जब ये संभालेंगे जो भी कैडर? जी जी सर, सबसे पहले तो मैं फिगर आउट करूँगा जहाँ भी मुझे पोस्टिंग मिलती है कि वहाँ पे क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मेरा ये मानना है कि दो चीज़ें अगर हम लोग हर एक हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को अगर हम लोग दो चीज़ें दिलवा दें, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ केयर, मुझे लगता है कि हम इंडिया को बदल सकते हैं। और ये सुनने में काफ़ी लगता है कि आम बात लगता है यार, सब लोग हेल्थ केयर और एजुकेशन की बात करते हैं, पर पूरा जो सर्कल है वो स्टार्टिंग पॉइंट ये दो चीज़ है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर हम पढ़ाई कर लें तो हम हर तरीके से एम्पावर हो सकते हैं, हम एक अच्छा नेता चुन सकते हैं, हम एक अच्छा देश बना सकते हैं, हम अपने इकोनॉमी को अच्छा कर सकते हैं, अपने समाज में हम अच्छे वैल्यूज़ को डाल सकते हैं, क्राइम कम कर सकते हैं, हर एक चीज़ एजुकेशन जो कि वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, जो मेरा मानना है, जो मैंने मेरे राजेंद्र विद्यालय और रामकृष्ण मिशन से लिया, जो मैंने बीआईटी सिंदरी से लिया, मेरे माता पिता से लिया, मेरे सीनियर से लिया, समाज से लिया, कि ये वैल्यूज़ होना चाहिए। मतलब पढ़ाई के साथ साथ हमारे अंदर एक संस्कार होना चाहिए और एक कुछ करने की चाह होनी चाहिए कि लोगों की मदद कैसे करें, लोगों का दुख कैसे कम करें, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। तो ऐसा एजुकेशन मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे को मेरे ज़िले में मिले और सब बच्चा, सब लोग स्वस्थ रहे। ये दो चीज़ अगर हम लोग कर लें तो गरीबी, बेरोजगारी, आप किसी भी प्रॉब्लम की नाम लो, ये दो चीज़ उस चीज़ को सॉल्व कर सकती है।